Hello student, good morning. In our previous video, हमने अपना chapter solar radiation वाला complete किया था. उसमें मैंने आप सभी की copy check की है. उसमें आप एक गलती कर रहे हो. Aphelion में और perihelion में. Perihelion और aphelion. Aphelion. ये कब होता है? ये होता है 4 जुलाई को, जब अर्थ के सन बिल्कुल नजदीक होता है और इसका डिस्टेंस होता है 47 मिलियन किलोमीटर. और इसमें कितना होता है? ये होता है 3 जनवरी को और इसमें डिस्टेंस होता है 152 मिलियन किलोमीटर. यह आपने कॉपी में गलती कर रखी थी, आप इस गलती को ठीक कर लें. शायद मैंने लेक्चर में बताते समय थोड़ा गलत कर दिया था, आपको कंफ्यूज हो गया, लेकिन आप बुक से देखकर ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वाटर इन एटमॉस्फेयर, जो हमारा 11th चैप्टर है. वाटर इन एटमॉस्फेयर. हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था इसके बारे में कि वाटर वेपर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में वैरी करते हैं 0 से 4% तक. जो ट्रॉपिक रीजन होता है वहां पे 4%, जहां पे डेजर्ट पोलर रीजन होता है वहां पे 0% 1% तक मिलते हैं. और वाटर वेपर कैसे बनते हैं? इवोपरेशन होता है वाटर बॉडी का और ट्रांसपरेशन होता है जो पेड़ पौधे सांस लेते हैं उनके द्वारा भी जल के कुछ कण वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं. जनरली वाटर एटमॉस्फेयर में 3 फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की. ह्यूमिडिटी क्या होती है? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन ह्यूमिडिटी. जितने वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे एयर में वो ह्यूमिडिटी कहलाएंगे. अब बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्चुअल ह्यूमिडिटी. इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर. इट इज डिफाइंड एज एक्सप्रेस एज ग्राम पर क्यूबिक मीटर. इसको ग्राम पर क्यूबिक मीटर में डिफाइन किया गया है. और वाटर वेपर डिपेंड करते हैं एंटायर टेम्परेचर ऑफ एयर एटमोस्फियर. मीन जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा वाटर वेपर इसमें होल्ड करने की कैपेसिटी होगी. अब बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की. द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. मीन जितने मॉइस्चर प्रेजेंट होंगे एयर में और जितने उसकी कैपेसिटी होगी मैक्सिमम उसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी. जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 25 है और कैपेसिटी इसकी 100 की है तो कितनी हो जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी? इसके मल्टीप्लाई बाई 100 एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाएगी 25%. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेरी करेगी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग.
अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो इसमें भी डिफरेंस आएगा। अब बात करते हैं सैचुरेशन की। सैचुरेटेड कब होती है एयर? सैचुरेटेड एयर मीन इस एयर में और वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती, मीन इसमें मैक्सिमम वाटर वेपर आ जाते हैं और ये एक गिवन टेम्परेचर में सैचुरेट हो जाती है और इसमें कंडक्शन होने लगता है। अब बात करते हैं ड्यू पॉइंट की। ड्यू पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पे कोई एयर सैचुरेट होती है, मीन जिस टेम्परेचर पे कोई एयर सैचुरेट होती है वह ड्यू पॉइंट कहलाता है। अब बात करते हैं हम इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन मीन जब कोई वाटर वेपर एटमोस्फेयर में एडिट किया जाता है और या विथड्रॉ किया जाता है। जब एडिट किया जाता है तो वो इवोपरेशन से होता है और विथड्रॉ किया जाता है तो वो कंडेंसेशन से होगा। मीन इवोपरेशन से क्या होता है कि वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है और यह सब होता है एनर्जी के कारण, हीट के कारण, इंसुलेशन के कारण, जिससे वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। इसमें मेन भूमिका टेम्परेचर की होती है जो वाटर को वाटर वेपर में चेंज करता है और वह टेम्परेचर जिससे वाटर वेपर में चेंज हो इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन बोलते हैं। और जब वाटर वेपर में चेंज होता है तो ये एयर की ऊपरी लेयर से दूसरी लेयर में मिलता जाता है और इसमें वाटर वेपर अब्जॉर्ब करने की अक्षमता ज्यादा बढ़ती है। ये हो गया इवेपरेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम कंडेंसेशन के बारे में। जब वाटर वेपर वाटर में चेंज हो तो उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अपनी हीट लॉस कर देता है, मीन इसमें हीट का लॉस होना होता है, इस कारण वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाता है। जब सैचुरेटेड एयर कूल डाउन होती है, मीन वो ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपनी मोस्ट लेवल में पहुंच जाती है, वो सैचुरेटेड हो जाती है और ड्यू पॉइंट पे वाटर मिलकर वाटर वेपर बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल, हम फ्रिज से ठंडा पानी का गिलास भरते हैं, लेकिन आप देखते हैं पानी के गिलास के बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती हैं, वो कहां से आई? वो पानी गिलास के अंदर से बाहर तो नहीं आ सकता। वो हुआ क्या कि गिलास के चारों ओर जो थी वो ठंड, वो एयर गिलास पे आके टकराई, जिस कारण एयर का टेम्परेचर ठंडा हुआ और जो एयर में मॉइस्चर थे वो लो टेम्परेचर के कारण सैचुरेटेड हो गए और गिलास के चारों ओर छोटी छोटी पानी की बूंदे बन गई। ये होता है कंडेंसेशन, मीन हीट का लॉस होना, इसमें मुख्य भूमिका होती है। और एक होता है सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है,
जो वाटर वेपर होता है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो वाटर वेपर हुआ लिक्विड में चेंज, वाटर वेपर वाटर में चेंज, वो तो हो गया कंडेंसेशन। एक हो गया सब्लिमेशन, मीन वाटर वेपर सीधा ठोस बर्फ के रूप में जमा हुआ मिला। अगर वहां का टेम्परेचर जहां पे एयर सैचुरेटेड हुई है वहां का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो वहां पे कंडेंसेशन होगा, लेकिन अगर उस एरिया का टेम्परेचर कम है जैसे कि शिमला, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो वहां पे कोई एयर सैचुरेटेड होती है तो वो बर्फ के रूप में गिरती है, बर्फ की कणियां गिरती हैं, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। जहां पे वाटर वेपर डायरेक्टली किसमें चेंज हो, सॉलिड में। और कंडक्शन के लिए एटमॉस्फेयर में कई हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली भी होते हैं जैसे स्मोक, डस्ट, साल्ट, ये अपने अंदर मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब कोई मॉइस्चर एयर कोल्ड एयर से टकराती है या कूल हो जाती है तो वहां पे कंडक्शन होता है। तो आप बताते हैं कंडक्शन को कौन से मेन फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंस द कंडक्शन, कंडक्शन को मेन फैक्टर कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं, एयर की वॉल्यूम, एयर वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, मेनली थ्री है जो फैक्टर जो कंडक्शन को प्रभावित करते हैं। और कंडक्शन कब होता है, कंडक्शन टेक प्लेस कंडक्शन टेक्स कंडक्शन कब होगा। कंडक्शन में मुख्यतः दो बातें होनी चाहिए, एक तो मॉइस्चर और एक टेम्परेचर कम। मीन अगर एयर में टेम्परेचर को कम कर दें, टेम्परेचर रिड्यूस टू नियर ड्यू पॉइंट, जहां पे एयर सैचुरेट होती है वहां तक टेम्परेचर को अगर हम इसका टेम्परेचर रिड्यूस कर दें तो एक कंडेंसेशन ड्यू पॉइंट तक चली जाएगी और एयर सैचुरेटेड हो जाएगी जिससे ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड हम क्या करते हैं, इसकी यहां पे जो वॉल्यूम है एयर की वो सेम रखनी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना वॉल्यूम में जब टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं। सेकंड पॉइंट में कंडेंसेशन कब होगी, जब टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों को रिड्यूस कर दें तब भी कंडेंसेशन हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम को सेम रखें, मॉइस्चर को इंक्रीज कर दें, इंक्रीज इन मॉइस्चर इंक्रीज, तब एयर कंडेंसेशन लेवल तक पहुंच जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी और कंडेंसेशन हो जाएगी जिससे वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाएगी। इसमें सबसे प्रभावी कौन सा है, इसमें सबसे प्रभावी है टेम्परेचर को रिड्यूस करना जिससे हम इजिली सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाते हैं और कंडेंसेशन होता है। जब वाटर वाटर वेपर में चेंज होता है तो
तो ये कई फिल्म में हमें मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे फोग, फ्रोस्ट, ड्यू, मिस्ट और फोर्थ आ गया क्लाउड। मीन आगे जाके वाटर वेपर हमें इन फाइव पार्ट में मिलता है अपने एटमॉस्फेयर में, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कल। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता रहा हूं कि हमारा मंडे को टेस्ट होगा, चैप्टर होगा अवर नाइन्थ चैप्टर। मंडे को आपका टेस्ट होगा ज्योग्राफी का नाइन्थ चैप्टर का, सोलर रेडिएशन का। आपका टेस्ट स्टार्ट होगा 10 बजे और आपको 11 बजे तक उसको करके, 11 नहीं इससे पहले 45 मिनट का टेस्ट होगा। 45 मिनट में आपको जितना टेस्ट आता है वो करके मेरे को पिक सेंड करनी होगी। आपका चैप्टर रहेगा सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, अब हम मिलेंगे मंडे को और आपको इस टेस्ट के लिए रेडी रहना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।